नमस्कार दोस्तों। तो बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाला ऑप्शन, देखिए दोस्तों ये वाला। आज इस बॉक्स का हम खुलासा करेंगे, आखिर इस बॉक्स के क्या इस बॉक्स में खासियत है और बहुत से लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बॉक्स कितने का आता है और इसमें चलेगा क्या। तो लेने से पहले सावधान हो जाइए, इस वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए कि आखिर कुछ लोग ठग तो नहीं रहे। YouTube पर वीडियो बना बना कर आप लोगों को बता रहे हैं कि भैया ये बॉक्स ले लीजिए, बिना डिस बिना छतरी के सब कुछ चलेगा और भंडार हो जाएगा आपके पास। समझिए बात को, आपको भंडारा कराना है या जानकारी चाहिए तो आपको जानकारी इसी YouTube चैनल पर मिलेगी, आपका अपना YouTube चैनल जॉन इन्फो एंड जॉन स्मार्ट सपोर्ट। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं कि आखिर सबसे पहले हम इस बॉक्स के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर ये बॉक्स कितने का आता है और इस बॉक्स में है क्या फैसिलिटी। तो दोस्तों इस बॉक्स में लिखा हुआ आता है कि एंड्रॉयड 11 2GB 16GB रैम, 2GB रैम है 16GB रोम है दोस्तों, ये लिखा आता है। सबसे पहले लिखी लिखाई की बातों पर विश्वास करेंगे हम। उसके बाद 5G सपोर्ट है, वाईफाई इसी के अंदर है, ठीक है ये चीज़ है। और इसके अंदर क्या क्या है, और यहाँ पर ऑडियो USB पेन ड्राइव HDMI ये सब कुछ भर भर के दिया गया है, कार्ड वार्ड सब कुछ लगा सकते हैं, सब कुछ भंडारा है, ठीक है समझिए बात को। और इस बॉक्स के अंदर और क्या लिखा है, इंटरनेट TV 64-bit 4K भी दिया है दोस्तों, देख लीजिए 4K दिया है। अब ये बॉक्स ये सब फैसिलिटी हम समझ गए। अब एंड्रॉयड 11 है तो आप जानते हैं एंड्रॉयड 11 प्ले स्टोर वगैरह यूट्यूब सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा दोस्तों। अब ये बॉक्स ये हमने परचेज कर लिया, मैंने परचेज कर लिया, आप भी परचेज कर लोगे, आखिर इस बॉक्स में की रेट क्या है। तो दोस्तों रेट है मैं बता देता हूँ कि ये 800 रुपये के आसपास होलसेल मार्केट में मिलता है, और रिटेल मार्केट में दुकान पर अगर जाओगे तो 1100 या 1100 रुपये के आसपास या उससे ज़्यादा में आपको मिल सकता है। तो अगर मैं अपने लोकल की बात करूँ तो 1100 रुपये में पूरे मार्केट में अवेलेबल है, कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है पहली बात। इसके साथ एक अडेप्टर भी आता है दोस्तों। अब बात करें अडेप्टर, जैसे कि हमारी सेट टॉप बॉक्स में जो अडेप्टर लगता है उसी जैसा इसमें है। बहुत से लोग ये बॉक्स ख़राब कर चुके हैं गलती से, क्योंकि इसके साथ जो अडेप्टर आता है वो 5 वोल्ट का रहता है दोस्तों। जैसे कि हमारे मोबाइल रहता है 5 वोल्ट पर ही चार्ज होता है आपका, चाहे एंड्रॉयड मोबाइल हो चाहे सादा मोबाइल किसी भी प्रकार का हो, और USB भी 5 वोल्ट करंट से ही चलती है। जैसे कि ये USB है, पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं तो इसमें भी 5 ही वोल्ट निकलते हैं, इसी तरह से हमारे मोबाइल के चार्जर में भी 5 वोल्ट निकलते हैं। तो इसका चार्जर जो रहता है, मतलब अडेप्टर जिससे कि ये चलता है, वो 5 वोल्ट का रहता है, लेकिन सेट टॉप बॉक्स में 12 वोल्ट का आता है। तो बहुत से लोग लगा देते हैं गलती से तो ये धड़ाम धड़ाम हो जाता है, ख़राब एकदम, ठीक है। तो ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना, इस बॉक्स के साथ जो आए वही लगाना, अगर ख़राब हो जाता है तो मार्केट से 5 वोल्ट का दूसरा खरीद कर लगाइए, 12 वोल्ट का बिल्कुल ट्राई ना करें किसी भी अन्य सेट टॉप बॉक्स का, ठीक है ये चीज़ हो गई। अब इस बॉक्स में चलेगा क्या दोस्तों, तो चलने को तो प्ले स्टोर है, एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड आप कहीं से भी कर सकते हैं, TV वाली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर IPTV डाउनलोड करके इसको चला सकते हैं, बहुत सारी ऐप चला सकते हैं। बोल तो रहा हूँ दोस्तों, क्या वास्तव में चलेंगे ये सब कुछ ऐसा YouTube पर बहुत ही भर भर के बताया जा रहा है, भैया ले लो और चलाओ खूब धुआंधार। लेकिन एक्चुअल मैं बताऊँ तो इसमें ये 2GB रैम लिखा हुआ है ना, 2 है ही नहीं 1 है बस, केवल सिस्टम बताता है 2, और 16GB जो रोम है वो 16 नहीं है 8 है, केवल सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करके आपको दिखाया जा रहा है कि 16 है और 2 है, असली में 2 भी नहीं है 16 भी नहीं है 8 है और 1GB है। और ये एंड्रॉयड 7 के लिए बनाया गया था दोस्तों, एंड्रॉयड 11 के लिए नहीं, लेकिन जनता की डिमांड होने के बावजूद चाइना वाले तो हैं ही जुगाड़ में, उन्होंने इसमें सॉफ्टवेयर पटक दिया एंड्रॉयड 11 लो चला भैया, बस 11 होने से थोड़ा फास्ट चल जाता है, लेकिन अगर असली में देखा जाए तो इसका हार्डवेयर
एंड्रॉयड 7 लाइक ही है, बस इससे ज़्यादा अब नहीं है इसका जो हार्डवेयर है। अब बात करते हैं कि इसमें सॉफ्टवेयर कौन से चलेंगे। दोस्तों आप कोई भी ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक दो ही ऐप चलाएं, ज़्यादा इसके अंदर ऐप चलाओगे सेट टॉप बॉक्स ये बॉक्स हैंग हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बहुत देर देर में प्ले होगा सब कुछ हैंग होने लगेगा। आप अगर इसको एक ऐप के लिए या दो ऐप चलाने के लिए परचेस कर रहे हो तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली, आपका अच्छे से काम हो जाएगा। तो ये ध्यान रख कर ही खरीदें कि आप एक या दो ऐप ही चलाएं, इससे ज़्यादा ऐप की कोशिश ट्राई करोगे कि आपने भैया 8-10 मोबाइल, जैसे जैसे अपना मोबाइल होता है आपने कितनी भी ऐप डाउनलोड कर ली है मोबाइल बराबर चल रहा है, ऐसा इसमें नहीं है दोस्तों। ज़्यादा ऐप डालोगे सेट टॉप बॉक्स हैंग होने लगेगा, तो ये चीज़ है। अगर आप इससे अच्छा ऑप्शन मैं बताता हूँ कि आपको अगर इससे अच्छा ऑप्शन चाहिए तो क्या ले लें, इससे अच्छा ऑप्शन है कि आप कोई फायर स्टिक वगैरह ले लें, जैसे कि रियलमी की आती है 2000 या 2500 रुपये के आसपास मिल जाती है, वो सबसे अच्छा और स्मूथ चलती है, कोई हैंगिंग प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ समस्या नहीं है, उसमें भी बहुत चीज़ें वर्क करेंगी सब कुछ चलता है, तो इससे अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाएगा वो। और यही बॉक्स दोस्तों कई प्रकार के मार्केट में मिलते हैं, अलग अलग कंपनियों के नाम अपना लोगों लगा लगा के बेच रहे हैं, तो कभी भी ये ना सोचे कि भैया आप ये देख लें किस तरीके का है, ऐसे समझ लीजिए इस तरीके का है। अब इस तरीके का ये बॉक्स है तो इसी तरीके का बॉक्स आपको दूसरा नहीं खरीदना है, अगर आप जो मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से चलते हो तो, मतलब कम ऐप चलाना है तो आप ले लीजिए, ज़्यादा अगर कुछ चलाना है तो आप ये मत सोचिए किसी ने लिख दिया इसमें ये फैसिलिटी है और ये मिलेगा तो आप सोच में पड़ जाओगे, आप ले लोगे कि भैया ये तो दूसरी कंपनी का हमने ले लिया, दूसरी कंपनी कुछ नहीं है दोस्तों, हार्डवेयर सेम है, हार्डवेयर चाइना मेड है, टोटल चाइना, जिसको हम MX Pro नाम से बॉक्स ये फेमस रहता है। इसके अलावा इंडिया में बहुत सारी कंपनियों ने ये बॉक्स मंगा लिए हैं और अपना नाम लिख कर बेच रहे हैं, तो ये आप मॉडल देखकर ही इसकी बॉडी देखकर समझना है ये आपको कि भैया ये तो वही चीज़ है, बस ऊपर से नाम अलग लिख दिया गया, डब्बा अलग कर दिया और कुछ नहीं। तो ये सब होने के बाद आप सब चीज़ें समझ ही गए होंगे कि आपको बॉक्स लेना है या नहीं लेना है। तो बिना डिस्क वाला बॉक्स यही है दोस्तों, मात्र और मात्र होलसेल रेट 800 रुपये, मतलब 800 रुपये का ये एंड्रॉयड बॉक्स मिलता है। तो ये बॉक्स 800 रुपये में आप लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं, लेकिन होलसेल रेट है दोस्तों, ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे तभी ये मिलता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, और आज अगर वीडियो में कुछ नॉलेज आपने प्राप्त की हो या आप लोगों के पैसा बचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, अच्छा लगा हो तो कर लेना और वीडियो ज़्यादातर लोगों तक शेयर करना, जिससे कि और लोग किसी प्रकार के झांसे में ना आए और उनके पैसे बच सके, क्योंकि पैसा बहुत ही मेहनत से आता है, ऐसे ही आप किसी के ऊपर लौटा नहीं सकते, बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा, आपकी ज़िंदगी, जो भी करना है कर सकते हैं, लेकिन मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।